नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटे। दिवाली की रात कार की डिग्गी के ऊपर ट्रैकर लगाकर साइबर सिटी की सड़कों पर दौड़ना तीन युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम की सड़कों पर पटाखे छोड़ती कार का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने स्वयं ही संज्ञान लेकर तीनों युवकों को काबू कर वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन और दोनों कारों को भी कब्जे में ले लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो दिवाली की रात वायरल हो रही एक वीडियो पुलिस के पास पहुंची, जिसमें काले रंग की एक गाड़ी को चालक लापरवाही से चला रहा था और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी के डिग्गी पर स्काई शॉट जलाकर शंकर चौक गुरुग्राम की तरफ से गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अज्ञात कार चालक और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कार को लापरवाही से चलाकर और कार की डिग्गी पर स्काई शॉट पटाखे जलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले कार चालक और उसके साथियों को गुरुग्राम के सिकंदरपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नकुल, जतिन और कृष्ण के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने माना कि दिवाली के दिन उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी जतिन ने अपना मोबाइल फोन BMW में सवार अपने साथी कृष्ण को देकर वीडियो बनाने के लिए कहा था। कृष्ण द्वारा बनाई गई वीडियो जतिन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। सर, साइबर हब इलाके में चलती गाड़ी में आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, क्या कुछ मामला है? एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ नौजवान लड़के एक हुंडई कार में ब्लैक कलर में रैश ड्राइविंग करते हुए और उसमें पटाखे चलाते हुए उसमें दिखाई दे रहे थे। जो इस पर संज्ञान लेते हुए DLF फेज 3 पुलिस स्टेशन ने केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें जो शामिल तीन आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम एक का नकुल, एक का कृष्ण और एक का जतिन है। ये इनसे हमने जिस गाड़ी में ये सवार थे वो गाड़ी बरामद कर ली है, और जिस फोन से इन्होंने वीडियो बना करके और वो वायरल किया था उसको भी हमने बरामद कर लिया है। इसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या कुछ इनकी मंशा थी इसके पीछे सर? बस इनकी मंशा ये इस तरह की नलायकी के तौर पे इन्होंने ये कार्य किया असावधानी बरतते हुए, और इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है और लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है, इसलिए हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। ठीक है सर। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई दोनों कार हुंडई वर्ना और BMW और एक मोबाइल फोन आरोपियों के कब्जे से बरामद कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।